राम भाई। तो ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनकी थार रेयर व्हील ड्राइव में हीटिंग इशू आ रहा है। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे दो वीडियोस डाल रखे हैं। एक में तो मैंने एंटायर प्रोसेस ही दिखाया जहाँ पर मेरी गाड़ी क्या कहते हैं सर्विस स्टेशन गई, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, और मैंने एक दो ऐसे चीज चलवाई, वो सारा ही मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। स्टिल आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो रैंडम मेरे वीडियोस पे आते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। थार हीटिंग इशू के ऊपर मेरी गाड़ी में इतना ज्यादा इशू नहीं था, पर कभी कभी मेरी गाड़ी महिंद्रा थार रेयर व्हील ड्राइव डीजल मैनुअल एलएक्स वेरिएंट है, और बस कभी कभार बहुत गर्मी में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी गाड़ी का एसी कट ऑफ हो जाता है। फिर भी ये बात मैंने जब फर्स्ट अपनी वीडियो क्या कहते हैं यूट्यूब पे डाला, और उसके में भी क्या कहते हैं 5 या 10 मिनट बाद ही मेरे को महिंद्रा से कॉल आ गया था कि क्या कहते हैं आपकी गाड़ी में हीटिंग इशू की दिक्कत है, और ये कुछ विन नंबर्स हैं, कुछ गाड़ी नंबर्स हैं जो जब मैन्युफैक्चर हुई थी तो वहीं से क्या कहते हैं इसमें प्रॉब्लम थी, और आप अपनी गाड़ी एक्स वाई जेड डेट को ले आइए और क्या कहते हैं हम आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वो जो बग है वो रिमूव हो जाएगा। आकाश जी हैं महिंद्रा भगवती में, उनका कॉल आया था मुझे, एक दो और ऑफिशियल्स हैं उनसे भी बात हुई थी, और बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। एज पर द डिस्कशन मैं अपनी गाड़ी लेके गया उनके पास, और फर्स्ट डे तो मेरा काम नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने जो सॉफ्टवेयर रिमूव किया तो वो दूसरा नया सॉफ्टवेयर चढ़ा नहीं पाए, आई थिंक वो क्रैश हो गया था जिसके कारण भी हुआ हो। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप गाड़ी यहीं पे छोड़ दीजिए आज के लिए, और कल हम अपने हेड ऑफिस से नया सॉफ्टवेयर और नया बंदा भी बुलाएंगे जो कि क्या कहते हैं आपकी गाड़ी पे ये जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर देगा, नया वाला जो महिंद्रा की तरफ से ऑफिशियली आया है। दूसरी चीज, जब गेट पे मैंने अपनी गाड़ी डाली थी और उन्होंने जो रजिस्टर है रजिस्टर पे गाड़ी को रिकॉल करके डाला था, स्पेसिफिकेशन में डालते ना कि गाड़ी किस चीज के लिए सर्विस स्टेशन पे जा रही है, तो उन्होंने रिकॉल डाला था उस पे। उसके बाद से भाई मुझे हीटिंग इशू तो बिल्कुल भी नहीं आया गाड़ी में, मेरे में हिसाब से था भी नहीं। मेरा एक दोस्त है अभय सिंह चौहान, उसने पेट्रोल ऑटोमेटिक ली थी, उसकी गाड़ी में वो दिक्कत थी, और आई थिंक उसने रिजॉल्व भी नहीं करवाया है, वो वैसे ही चला रहा है। थ्रू द एंटायर प्रोसेस मुझे एक चीज पता चल गई है कि ये जो दिक्कत है ये सॉफ्टवेयर का दिक्कत है, ये हार्डवेयर का दिक्कत नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर जो हार्डवेयर का दिक्कत हो और सच में आपकी गाड़ी हीट कर रही होती उस कंडीशन में आपका जो इंजन है वो कट ऑफ हो जाता आफ्टर अ सर्टन पॉइंट, जहां पर क्या कहते हैं वो मैक्सिमम अपना हीटिंग बार अटेन कर लेता, उसके बाद तो इंजन को कट ऑफ हो जाना चाहिए, इंजन को सीज हो जाना चाहिए। ये है भगवती जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाने आता हूँ, तो कट ऑफ हो जाना चाहिए पर होता नहीं है, तो वो 99.9% मुझे मालूम, मेरे को ऐसा लगता है कि वो सॉफ्टवेयर का ही इशू है। 5-6 व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट किया है, और वो चीज़ क्या कहते हैं मेरे नोटिस पे लेके आए हैं कि भाई कंपनी के थ्रू हमारे भी क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं, स्टिल देयर इज एन इशू और वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। एक भाई है जिनका तो क्या कहते हैं महिंद्रा वालों ने हेड तक खोल दिया है, पर अभी भी इशू बना हुआ है। उस भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं भाई महिंद्रा वाले इनफैक्ट उसको 1000 रुपये पर डे के हिसाब से पे भी कर रहे हैं गाड़ी सर्विस स्टेशन में रखने के लिए। ये अच्छी बात है कि क्या कहते हैं महिंद्रा वाले एटलीस्ट ये सारी चीज़ें मतलब आगे बढ़ के कर रहे हैं, कस्टमर को दिक्कत आ रही है। पर अमन जी हैं कि मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, पर आई थिंक महिंद्रा को यहाँ पर उनका इंजन ही चेंज कर देना चाहिए, अगर जो ये वाली दिक्कत प्रसिस्ट कर रही है बार बार तो इंजन ही बदल दो, या तो फिर सॉफ्टवेयर की दिक्कत है तो पूरा सॉफ्टवेयर ही एक बार अपडेट कर दो नए सिरे से।
एक महिंद्रा और टाटा में मेरे को जो कमी लगती है वो लगती है लैक ऑफ टेक्निकल मैकेनिक। यहाँ पर दिक्कत ये है कि इनके पास कोई भी मतलब अगर जो हार्ड कोर कोई भी चीज आ गई तो मैं ये नहीं कहता कि कहते हर एक वर्क स्टेशन पे ये दिक्कत है, पर बहुत सारे जो लोकल छोटी छोटी जगहें होती हैं वहां पर तो दिक्कत है ही है भाई, टू बी ऑनेस्ट। उनको पता ही नहीं चलता कि क्या दिक्कत, उनको सिर्फ सिंपल सी चीजें मालूम है कि भाई गाड़ी का क्या कहते हैं सर्विस कैसे करना है, ऑयल कैप कैसे चेंज करना है, या फिर क्या कहते हैं फिल्टर कैसे चेंज करना है, ये नॉर्मल चीजें उनको पता है। पर अगर जो कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं थोड़ी सी टेक्निकल तो उनके दिमाग के वो चीज ऊपर हो जाती है। और मैं समझता हूँ वो बात को, महिंद्रा को पहली बात तो टाइम टू टाइम जो भी ये मैकेनिक है ना इनको अपने प्लांट पे बुला के इनको अच्छा खासा आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, क्योंकि आप गाड़ी अब नेक्स्ट लेवल की बना रहे हो तो आप क्या कहते हैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने पुराने बंदों से कि वो उसी एफिशिएंट से ही क्या कहते हैं गाड़ियों को ठीक कर पाएंगे। चलिए ये बात तो हो गई थार की। तो जस्ट टू कंक्लूड दिस वीडियो, अगर जो आपकी गाड़ी में ये दिक्कत है मेरे भाई तो देयर आर हाई चांसेस कि अगर जो आपकी गाड़ी में सॉफ्टवेयर अपडेट होएगा तो आपका वो जो बग है वो चला जाएगा। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि मेरी गाड़ी में तीन इश्यूज आ चुके हैं अभी तक महिंद्रा थार में। एक तो उसके स्टीयरिंग से रिलेटेड था, मैं लेके आया था गाड़ी और मैंने 1,000-1,500 किलोमीटर चलाई होगी, उसके बाद मेरा जो स्टीयरिंग था बहुत ज़्यादा ही भारी हो गया था, तो इट्स अ हाइड्रोलिक स्टीयरिंग स्टिल वो बहुत ज़्यादा भारी हो गया था। और मैंने जाके महिंद्रा में बताया कि ये दिक्कत आ रही है, उन्होंने एक्नॉलेज किया उस चीज़ को, उसको ठीक किया। दूसरा जो दिक्कत आया था वो यही था सॉफ्टवेयर वाला, वो भी उन्होंने ठीक कर दिया। जो तीसरी दिक्कत आई है, अभी रिसेंटली मैंने 1800 का ट्रिप किया है विद इन 60 आवर्स और गाड़ी को हम लोगों ने ठीक ठाक स्पीड में भगाया, तो मेरे को कोई हीटिंग इशू ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है ये गाड़ी में। मैकेनिकली एक ही दिक्कत थी मेरे फ्यूल गैस से रिलेटेड, वो भी मैंने शो किया तो पता चला जो मेरा सिलेंडर है अंदर सॉरी जो मेरा मोटर है उस पर एक पोर्शन है जहाँ पर करंट फ्लो नहीं कर रहा, जिसके कारण मेरा जो फ्यूल गेज है वो एग्जैक्ट फ्यूल कितना है टैंक में वो शो नहीं करता था। उस चीज़ को भी इन लोगों ने एक्नॉलेज किया और क्या कहते हैं अंडर वारंटी चेंज कर रहे हैं। तो यही सारी बातें थी, मैंने सोचा कि क्या कहते हैं भाई हो सकता है कि रैंडम अगर जो कोई बंदा यूट्यूब पे जाके वीडियो सर्च करता है तो एटलीस्ट उसको ये वीडियो मिले और उसको क्लैरिटी आए कि भाई करना क्या है। तो एज ए नेक्स्ट स्टेप आप महिंद्रा वालों के पास जाओ, जो भी आपने जहाँ से भी आपने गाड़ी उठाई है सर्विस स्टेशन से, और उनके पास ऑफिशियली ये बात मुझे आकाश जी ने बताई है कि ऑफिशियली क्या कहते हैं ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो रिलीज किया गया है। स्टिल मैं एक बार कोशिश करूँगा आकाश जी से पूछूंगा कि मैं उनका नंबर शेयर कर सकता हूँ क्या, अगर जो वो कहते हैं कि हाँ कर दीजिए तो मैं आपको उनका नंबर ही शेयर कर दूंगा, तो इट वुड बी ईजी फॉर यू पीपल कि आप उनको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करो और क्या कहते हैं उनसे डायरेक्ट ही सोल्यूशन पूछो कि भाई क्या करना है मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो सिस्टम का बंदा है और बहुत कोऑपरेटिव अच्छा इंसान है, तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों की जरूर हेल्प करेंगे। चलिए धन्यवाद, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं ऐसे ही आंसर करने की कोशिश करूँगा।